हाँ जी दोस्तों, मैं तरसेम सिंह मठाड़ू के नाल पंजाब न्यूज़ चैनल दियाँ अज सुबह दियाँ खबरों के तो एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है। तो अज हो चुके हैं जी 15 फरवरी, दिन है सोमवार। तो अज दियाँ तमाम खबरों बारे गलबात करांगे। तो खबरों शुरू करने तो पहले एक बार नज़र मारते हैं चुनवीं खबरों पर। पहली चुनवी खबर है कि नवदीप कौर की रिहाई लई मनीषा गुलाटी ने गृह मंत्री अमित शाह नाल कीती मुलाकात। हुण गोबर तो होवेगी किसानों को कमाई, हरेक पिंड में खुलेगी फैक्टरी, गोहे तो बनेगी पेंट। गाजीपुर बार्डर पहुंची महात्मा गांधी की पोती, कहा अजिहा अनपढ़ व्यक्ति पहला कदे नहीं आया। पेट्रोल डीजल दी कीमतों ने मचाई हाहाकार, पेट्रोल 100 रुपए लीटर तो भी टप्पया। किसान अंदोलन च बैठे लोगों बीजेपी लीडर दस रहे अतवादी, हुण मोदी ने की किसानों की तारीफ। किसान अंदोलन को लेकर बीजेपी अंदर बगावत, स्वामी ने किया वड्डा खुलासा। आस्ट्रेलिया च मुफ्त पढ़ सकणगे किसान अंदोलन च जान गवाउण वालिआं दे बच्चे। कंगना रनौत ने हुण केजरीवाल नूं घेरिया, कहा शर्म करो। ट्रैक्टर रैली हंगामे मामले च जेल च बंद किसान वाले, संयुक्त किसान मोर्चे का ऐलान, दिते जाणगे 2-2 हज़ार रुपए। लखा सदाणा की गिरफ्तारी के होए चर्चे। और पछमी गड़बड़ी के चलते एक बार फिर मौसम बिगड़न की संभावना, कई सूबे च बारिश का अनुमान। पंजाब च कोरोना मृतकों की गिनती हुई 5,697, अज 3 मौत, 234 नवे केस आए सामने। जेल तो रिहा होकर आए 80 साल के बजुर्ग ने सुनाए दिल्ली पुलिस तशद्दुद के किस्से। तो दोस्तों ये अपने समय दी चुनवी खबर, तो हम गलबात कर दें जी इस समय की पहली वड्डी खबर की। कृपा करके अपन खबरों वध तो वध लाइक कमेंट शेयर जरूर कराया करो, क्योंकि तुहाडे लाइक करने नाल साडे चैनल नूं बहुत सपोर्ट मिलती है, तो अपन खबर जिहड़ियां सारे किते फैल जांदियां ने। इसे दे नाल ही पहली खबर है, नवदीप कौर की रिहाई लई मनीषा गुलाटी ने गृह मंत्री अमित शाह नाल कीती मुलाकात। पंजाब राज महिला कमिशन के चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने करनाल जेल में बंद पंजाब राज की किरती कारकुन नवदीप कौर की रिहाई लई भारत के गृह मंत्री अमित शाह नाल मुलाकात की। इस मुलाकात संबंधी जानकारी देंदे मनीषा गुलाटी ने दसा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने नवदीप कौर के मामले तो पूरी तरह जाणू करवाया, बेनती की कि नवदीप कौर के संविधानक हक की राखी को यकीनी बनाया जाए। इस मौके उन्होंने भारतीय मूल के विदेशी लाड़ा वालों देश दीआं कुड़ियां नाल विआह के नाम मारिया जा रही ठगियां नूं नत्थ पाउण लई नवा कानून घड़न की भी बेनती की। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने जल्द इन मामलों में कार्रवाई करने का भरोसा दिवाया है। हुण गोबर तो होवेगी किसानों नूं कमाई, हरेक पिंड में खुलेगी फैक्टरी, गोहे तो बनेगी पेंट। गऊ मझ जिहे जानवरों का गोबर कई तरीके वरते जाते, पिंड वर्मी कंपोस्ट या खाद बना के खेतों में पाते हैं, पाथियां भी इस तो बनाई जाने, पर फिर भी बहुत वड्डी मात्रा में गोबर बर्बाद हो जाता है। हुण अजिही पूरी संभावना कि गोबर की खपत लई हुण हरेक पिंड में फैक्टरी खुलेगी जिथे गोबर तो पेंट बनया करेगा, तो उसनू गोबर पेंट कहा जाएगा। केंद्र सरकार अजिही योजना तैयार कर रही है कि MSME मंत्री नितिन गडकरी ने दसिया कि एक फैक्टरी खोलने पर 15 लाख रुपए खर्चा आएगा, जो हरेक पिंड रुजगार दे मौके पैदा करेगा। तो मंत्री ने दसा कि गोबर तो बने अनोखा पिंट लांच होने तो बाद इसकी मंग काफ़ी तेजी नाल वधी है। गाजीपुर बार्डर पहुंची महात्मा गांधी की पोती, कहा अजिहा अनपढ़ व्यक्ति पहला कदे नहीं आया। केंद्र के विवादित खेती कानूनों खिलाफ चल रहे किसानी अंदोलन की हमायत कर ली महात्मा गांधी की पोती तारा गांधी भट्टाचार्य शनिवार को गाजीपुर सरहद पर पहुंची। नैशनल गांधी अजायब घर के प्रधान तारा ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को प्रदर्शन दौरान शांति बनाई रखने की अपील की। उन्होंने सरकार ने भी अपील की कि वह किसानी भाईचारे का ख्याल रखन, कोई नाम लए बिना। उन्होंने यह भी कहा कि अजिहा अनपढ़ व्यक्ति पहला कदे नहीं आया होगा। गांधी जी नाल मेरा 14 साल का तजर्बा है, उन्होंने कहा कि मैं सच के नाम हाँ तो हमेशा इस नाल ही खड़ी रहांगी। पेट्रोल डीजल कीमतों ने मचाई हाहाकार, पेट्रोल 100 रुपए लीटर तो भी टप्पया। जी हाँ दोस्तों, जनता उत्ते तेल दीआं तेजी नाल वधदीआं कीमतां दी मार जारी है। देश में लगातार 6वें दिन पेट्रोल ते डीजल दीआं कीमतां वध गईआं ने। पेट्रोल की कीमत 100 रुपए तो भी अगाह लग गई है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए तो पार हो गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पावर पेट्रोल की कीमत जी 100 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर हो गई है। आम पेट्रोल जो 96 रुपए प्रति लीटर वग रहा, डीजल की कीमत 86 रुपए 84 पैसे हो गई है। कीमत वधन के नाल ही मध्य प्रदेश में सब तो महंगे भाव पेट्रोल वेचण वाला
सूबा बन गया। इस दिन नाल ही 44 दिनों में 17 बार पेट्रोल डीजल दी कीमतां वधियां ने। तो जे गल करिए पंजाब दी तां पंजाब विच वी जिहड़ा तेल है पेट्रोल तो वह 100 रुपए के बिल्कुल कोल पहुँचने वाला, तो जिहड़ा डीजल विच दे मगर ही चल रहा है। किसान अंदोलन जे बैठे लोगों बीजेपी लीडर दस रहे अतवादी, हुण मोदी ने की किसानां दी तारीफ। पंजाब हरियाणा ते उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली में खेती कानूनों का विरोध कर रहे हैं। एक पासे विरोध कर रहे किसानों ने बीजेपी आगुआ ते मोदी समर्थकों वालों अतवादी या खालिस्तानी वर्गे शब्दों नाल संबोधन किया जा रहा है। तो हुण दूजे पासे देश के प्रधानमंत्री ने किसानों की तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एतवार को चेन्नई में एक समागम दौरान तमिलनाडु के किसानों की शलाघा की। उन्होंने रिकॉर्ड पद्धति से भोजन तैयार करने और पानी के स्रोतों की सही वरतों ले किसानों की शलाघा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं तमिलनाडु के किसानों उन्होंने रिकॉर्ड भोजन उत्पादन से पानी के स्रोतों लिए बेहतर वरतों लिए प्रशंसा करना चाहता। असी पानी की संभाल जो भी कर सकिए सानू करना चाहिए। हर बूंद से ज़्यादा फसल के मंत्र हमेशा याद रखो। किसान अंदोलन लैके बीजेपी अंदर बगावत, स्वामी ने किया वड्डा खुलासा। किसान अंदोलन लैके मोदी सरकार कसूती घेरती जा रही है। हुण बीजेपी के अंदरों ही आलोचना होनी शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद मैंबर सुब्रमण्यम स्वामी ने किसान अंदोलन से केंद्र सरकार रगड़े लाए ने। उन्होंने ट्विटर से कहा कि किसान अंदोलन छेती ही कौमांतरी मुद्दा बन सकता है क्योंकि मनुखी अधिकार जथेबंदियां संयुक्त राष्ट्र की कौमांतरी किरत जथेबंदी को पहुँच करने की योजना जी बना रही ने। स्वामी ने कहा कि भारत भी इस जथेबंदी का मैंबर है तो कौमांतरी किरत जथेबंदी इस मुद्दे से भारत को पक्ष रखने सद सकती है। स्वामी मुताबक किरत मापदंडा बारे कमेटी के चेयरमैन रहिंदिया उन्होंने सरकार ने 1996 रिपोर्ट तैयार की। ऑस्ट्रेलिया में मुफ्त पढ़ सकेंगे किसान अंदोलन से जान गवाने वाले के बच्चे। जी हाँ दोस्तों, एक खुशखबरी की गल है कि भारत में खेती संबंधी 3 कानूनों का हर पासे विरोध हो रहा है। तो संघर्ष जो पंजाब तो शुरू होया सी हुण इसकी गूंज विदेशों में भी सुनवाई दे रही है। इस संघर्ष में दानी सदन दिल खोल के अपना योगदान पा रहे हैं। इसे कड़ी तहत आस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड सूबे के खूबसूरत शहर ब्रिस्बेन के अमेरिकन कॉलेज डायरैक्टर डॉक्टर बर्नार्ड मलिक ने कहा कि बहुत ही अहम ऐलान किया। जिक्र जो कि डॉक्टर मलिक का पिछोकड़ पंजाब के गुरदासपुर तो है। डॉक्टर मलिक ने दसा कि मृत किसानों के बच्चों लिए 475 तो वध सीटा रखी जाएंगी। विद्यार्थी ने सिर्फ टिकट और वीजे का खर्चा करना पवेगा, इस अलावा उन्होंने पढ़ाई का कोई भी खर्चा नहीं देना पवेगा। उन्होंने कहा कि किसान संघर्ष में शहीद परिवार के बच्चों वो बिल्कुल मुफ्त सिक्ख्या प्रदान करेंगे। उन्होंने मीडिया नाल गलबात करदिया कहा कि उन्होंने कॉलेज में बिजनेस कमर्शियल कुकरी लीडरशिप आटोमेटिव की पढ़ाई कराई जाती है। तो उन्होंने किता मुखी कोर्सा शहीद परिवार के बच्चों मुफ्त पढ़ाई दी जाएगी। डॉक्टर बर्नार्ड मलिक के इस सहयोग लिए हर पासे शलाघा की जा रही है। कंगना रनौत ने हुण केजरीवाल नूं घेरिया, कहा शर्म करो। जी हाँ दोस्तों, कंगना रनौत लगातार अपने बयान करके सुर्खियों में है। हुण कंगना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नूं अपने घेरे में लिया। दरअसल दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके बजरंग दल के वर्कर रिंकू शर्मा का कुछ लोगों वालों कतल कर दिता गया। लोग इस मामले में भाईचारक मामला दस रहे हैं क्योंकि रिंकू शर्मा राम मंदिर लई चंदा इकट्ठा कर रहा सी ते राम यात्रा नाल भी जुड़िया होया सी। कंगना ने ट्विटर यूजर वालों शेयर की वीडियो को रीट्वीट किया है। इस वीडियो में महिला रिंकू बारे दस रही है कि इस वीडियो को शेयर करके कंगना ने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल जी शर्म करो, ये सब कुछ तुहाड़ी घट गिनती राजनीतिक कारण होया। उन्होंने लगता है कि दिल्ली उन्होंने जिहादी सत्ता है। सिर्फ राम राम कहने लई खुलेआम कतल कर दिता गया। वो अपने परिवारों को पालन वाला एक लड़का सी जो चंगे व्यवहार का सी। ट्रैक्टर रैली हंगामे मामले च जेल च बंद किसानों लई संयुक्त किसान मोर्चे का ऐलान, दिते जाणगे 2-2 हज़ार रुपए। किसान फिलहाल दंगे भड़काउण दे दोष विच जेल बंद हन। संयुक्त किसान मोर्चे की कानूनी टीम के मुखी प्रेम सिंह पंगू ने दस्या कि असी जेल च बंद तुसी अते सारे किसान भरावां दी मदद लई हमेशा तैयार रहणगे। असी सोमवार तक जेल च बंद सारे किसानों के बैंक खातों में 2-2 हज़ार रुपए ट्रांसफर कर देवांगे। इस तो पहला संयुक्त किसान मोर्चे की कानूनी टीम ने शुक्रवार को तिहाड़ जेल का दौरा किया। मौजूदा समय में 112
किसान तिहाड़ जेल में बंद दे किसान संगठन ने भी ट्रैक्टर रैली दौरान हिंसा को लैके उच्च पद्धरी जांच की मांग की। उन्होंने कथित तौर पर किसानों नाल दुर्व्यवहार करने और झूठा मुकदमा बना के किसानों जेल में करन का भी दोष लाया। सिंगू बॉर्डर से आयोजित एक प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान भारतीय किसान मोर्चे के नेतावान ने किसानों को अपील की कि हुण सीधे पुलिस के सामने पेश न हो, पहला संगठन वालों गठित कानून सैल नाल संपर्क करन और उस तो बाद कोई फैसला लवे। प्रैस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसान नेता रविंदर सिंह ने दसा कि दिल्ली पुलिस ने हुण तक 122 किसानों गिरफ़्तार किया, जिस विच 10 किसानों जमानत मिल गई। दूजे पास सोमवार को 2 होर किसानों जिहड़ी जमानत मिलने की संभावना है। लखा सिधाणा की गिरफ़्तारी के होए चर्चे। सूत्रों के हवाले तो लखा सिधाणा की गिरफ़्तारी की खबर सामने आ रही है, पर इस बारे कोई भी अधिकारिक तौर पर किसी भी सरकारी एजेंसी वालों पुष्टि नहीं की गई है। चर्चा है कि लखा सिधाणा हरियाणा के सोनीपत के रसोई ढाबे को गिरफ़्तार किया गया, पर जिहड़ियां ये खबर है ये बिल्कुल अफवाहां ने। हजे तक कोई सरकार वालों ज किसी जथेबंदी वालों इसकी जी पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए जिहड़ियां इन अफवाहों तो बचने की कोशिश करो। पछमी गड़बड़ी के चलद एक बार फिर मौसम विगड़न की संभावना, कई सूबे में बारिश का अनुमान। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ दिनों तो दिल्ली NCR में सवेरे संघनी धुंध छाई रही है। मौसम विभाग अनुसार 14 से 16 फरवरी दौरान पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ समेत दिल्ली NCR संघना कोहरा छाए रहने के आसार बने हुए। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी आने वाले दिनों में सवेरे समय संघनी धुंध छाई रहेगी। एतवार को मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ समेत दिल्ली समेत उत्तरी भारत खेतर च संघने कोहरे की संभावना प्रगटाई। उत्थे पछमी गड़बड़ी का चल देश के कई अहम राज्यों च बारिश के आसार जिहड़े दसे जा रहे हैं, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी प्रगटाई जा रही है। पंजाब कोरोना मृतकों की गिनती हुई 5,597, अज 3 मौत, 234 नवे केस। जी हाँ दोस्तों, जे गल करिए करोना की, तो पंजाब के सेहत विभाग के बुलेटिन वालों जारी किए गए बुलेटिन अनुसार हुण तक करोना कारण 5,697 मरीज जिहड़े जान गवा चुके हैं। एतवार वाले दिन 3 मरीज दम तोड़ गए, तो जबकि 234 नवे मामलों की पुष्टि हुई। इस तों इलावा 204 करोना मुक्त मरीज हुए ने। मरण वालों में हुशियारपुर, जलंधर ते पटियाला तो एक एक शामिल ने, जबकि हुण तक करोना पॉजिटिव मरीजों का अंकड़ा 176,296 तक पहुँच गया है। तो ठीक हुए मरीजों का जोड़ा अंकड़ा 168,239 हो गया है। तो जोड़ा सूबे के सेहत विभाग अनुसार हुण तक 47,26,971 शक्की मरीजों के सैंपल लए गए ने। इन्हों में जोड़े 2,360 इस वेले केस जोड़े है वो एक्टिव ने, जोड़े सूबे के वक् वक् हस्पतालों में इलाज अधीन चल रहे हैं। जेल तो रिहा हो गया 80 साल के बजुर्ग ने सुनाए दिल्ली पुलिस तशद के किस्से। 26/1 की घटना तो बाद दिल्ली पुलिस वालों गिरफ़्तार किए गए किसान तशद करने के दोष लगने शुरू हो गए हैं, जिसकी गवाही जेल में रिहा होकर आने वाले किसान कर रहे हैं। इन्होंने अजे तक कुछ ही व्यक्ति रिहा होकर आए हैं, जबकि कई अजे भी दिल्ली की जेल में बंद ने। कुछ का अजे तक कोई अता पता नहीं चल सकिया। इस दौरान फतेहगढ़ जिले से संबंधित 81 साल बुजुर्ग कल रिहा होकर घर पर जानकारी दी। निंदा दिल्ली की तिहाड़ जेल में रिहा होकर आए बुजुर्ग धर्मी फौजी गुरमुख सिंह अपने गृह स्थान जिला फतेहगढ़ साहब के पिंड शमशपुर विखे पहुँच गए हैं। पिंड पहुंचे तो उन्होंने स्वागत लिए वही गिनती इलाका निवासी पहुंचे हुए सन। इस दौरान बाबा गुरमुख सिंह ने दिल्ली पुलिस वालों उन्होंने ताहे तशद का बरताव साझा किया। गुरमुख सिंह मुताबक उन्होंने गिरफ़्तार करने तो बाद दिल्ली पुलिस बहुत तशद कर रही है। इस मौके पहुंचे सीनियर एडवोकेट अमरदीप सिंह धारनी ने कहा कि दिल्ली पुलिस वालों किसानों के पर्चे दर्ज करके उन्होंने नोटिस भेजे जा रहे हैं, ता जो किसानी संघर्ष में शामिल होने वाले किसानों डराया जा सके। इस मौके इकट्ठे हुए किसानों ने कहा कि सरकार के किसानों डराने के मनसूबे कामयाब नहीं होंगे, तो सरकार जिन्ना किसानों डराने का यतन करेगी साढ़े इरादे होर मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि जदों तक सरकार तिने काले कानून रद्द नहीं करती तो घट्टो घट समर्थन मुल नूं कानूनी मानता नहीं दिंदी, किसानी अंदोलन इस तरह जारी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तुहाडे इन्हां खबरां बारे की विचार ने तुसीं साडे नाल जरूर साझे करना। इस नाल ही अपनियां अज दीआं खबरां खत्म हुंदीआं ने, मिलांगे अगले दिन दीआं नवीआं खबरां नाल। हुंदे लई इन्ना ही, धन्नवाद, सति श्री अकाल। किसान यूनियन एकता जिंदाबाद।